एग्जैक्टली, आप हारिस की मिसाल ले लेना, आप जब हारिस हमारे PSL खेला तो अनफॉर्चुनेटली PCB की नजरों में नहीं आया, हालांकि वो फास्टेस्ट बॉलर था, सो कैबरी फास्टेस्ट प्लेयर, लेकिन फिर BBL में, फिर हमने उसको BBL में चांस दिलवाया, सम क्रेडिट गोज टू सुमीन राणा। सो उन्होंने जब BBL में एक मैच हमने उनको दिलवाया, वहाँ से हारिस निकल गया, फिर हारिस हारिस बन गया। सो ये अपॉर्चुनिटी तो सारे बच्चों के पास है कि जिस तरह भी जमान खान का BBL में हुआ है या उसामा मीर का हुआ, सो अगर ये जाते हैं तो इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो फिर कौन रोक सकता है इनको ग्रो करने से। अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उससे आपके परफॉर्मेंस सेंटर से और कितने ज़्यादा डोमेन्स खुल सकते हैं उसके लिए? देखिए, अब तो इंटरनेशनली लीग्स का ज़माना आ रहा है। अभी आपने देखा खुर्रम शहजाद जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में गए, 2016 में ये सरगोधा में हमारे ट्रायल पे आए थे और सरगोधा की टीम का हिस्सा बने थे, और उसके बाद ऑन कैमरा उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि उस वक्त जैज राइजिंग स्टार था हमारा, जैज वाज आवर पार्टनर, तो उन्होंने कहा था जैज इस तरह हमारी ज़िंदगी में आया जिस तरह फरिश्ता आ गया। सो आप सोचें ना कि वो पौधा लगा दिया था लाहौर कलंदर ने, अब वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर आ चुका है। सो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा है सर कि हम वो वाहिद फ्रेंचाइज हैं जिसका 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट है या उनकी फ्रेंचाइज से कॉन्ट्रैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंग्लैंड ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे। सो दुनिया में आज तक कभी ये नहीं हुआ। सो जब बच्चा यहाँ पे आता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि वो एक तो यहाँ ट्रेन करे, और फिर यहाँ पे आपने भी देखा नीदरलैंड के जो प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में थे वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, जिम्बाब्वे के प्लेयर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। सो जो एक्सपोजर लेवल है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो जहाँ से जब वो ट्रेड होता है तो फिर वो बाहर जाके अगर पूरी दुनिया की लीग्स उसके सामने खुलती हैं तो ऑब्वियसली फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। और क्या आप लोग खुद उसको आगे पिच करते हैं टू द अदर लीग्स एंड फ्रेंचाइज ऑफ द वर्ल्ड? एग्जैक्टली, आप हारिस की मिसाल ले लेना, आप जब हारिस हमारे PSL खेला तो अनफॉर्चुनेटली PCB की नज़रों में नहीं आया, हालांकि वो फास्टेस्ट बॉलर था, सो कैबरी फास्टेस्ट प्लेयर, लेकिन फिर BBL में, फिर हमने उसको BBL में चांस दिलवाया, सम क्रेडिट गोज टू सुमीन राणा। सो उन्होंने जब BBL में एक मैच हमने उनको दिलवाया, वहाँ से हारिस निकल गया, फिर हारिस हारिस बन गया। सो ये अपॉर्चुनिटी तो सारे बच्चों के पास है कि जिस तरह भी जमान खान का BBL में हुआ है या उसामा मीर का हुआ, सो अगर ये जाते हैं तो इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो फिर कौन रोक सकता है इनको ग्रो करने से। इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करेंगे और उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। तो आतिफ भाई, अब पहले तो सबसे पहले तो हमारे सारे व्यूवर्स के लिए आप ये बताएं कि ऐसे जो क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स होते हैं या किसी भी और दूसरे स्पोर्ट्स के हो जाएं तो हाउ डू दे हेल्प बूस्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमी? ये PSL की बात कर रहे हैं? PSL हो जाए या आप कोई ICC का इवेंट आ जाए या वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप अगर पाकिस्तान में हो जाए तो किस तरह ऐसे टूर्नामेंट्स इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं? देखें, आप जब आप फर्ज करें PSL की मिसाल ले लेते हैं, जब PSL पाकिस्तान में होती है तो ऑब्वियसली जो प्लेयर्स आ रहे हैं उन्होंने कहीं रहना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कोई एंटरटेन होना है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपके साथ चलती है ना। फिर एक फेस्टिविटी होती है जब ईद का समय होता है, जब बकर ईद होती है, छोटी ईद होती है, तो इकॉनमी आपकी बूस्ट करती है ना, बिकॉज लोग स्पेंड करते हैं, लोग विजिट करने आते हैं, पूरी दुनिया से पाकिस्तान में एक्सपर्ट आता है, यहाँ पे फ्लरिश करेगी, हर चीज़ आपकी फ्लरिश करेगी। तो ये एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है जो कि आने वाले सालों में मैं समझता हूँ अगर इसको सही मानों में एड्रेस किया जाए तो इसी के थ्रू हम अपनी इकॉनमी को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो हमेशा एक पिवोटल रोल प्ले करती है किसी भी मुआशरे को ग्रो करने के लिए। आपके सामने मिसाल है ऑस्ट्रेलिया की, कितनी दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं, ठीक है। अब आप देखें, हालांकि क्रिकेट वहाँ पर उस तरह नहीं सपोर्ट की जाती जिस तरह एक ज़माने में की जाती थी, बट वही है कि उनके चूँकि जब आपके पास इकॉनमी आपकी बढ़ती है, रिसोर्स आते हैं, तो वो रिसोर्स फिर आप अपने एथलीट के ऊपर खर्च करते हैं। जब आप एथलीट के ऊपर खर्च करते हैं, एनवायरनमेंट पर खर्च करते हैं, सो आपका जो टैलेंट है वो उभर के सामने आना शुरू हो जाता है।